यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा को बड़ी सौगात मिली है। चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जमीन मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया है, चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जमीन मिलेगी, अतिरिक्त विधानसभा के लिए ये जमीन दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल के आग्रह पर शाह की घोषणा, सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके आभार जताया है। विधानसभा के लिए अलग भवन की मांग पूरी की जाएगी कहा जा रहा है। तो चंडीगढ़ में अब विधानसभा के लिए जमीन दी जाएगी, जो ये मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसको लेकर हम देख रहे थे कि विवाद भी आए दिन होते रहते थे, और उस पर अब विधानसभा के लिए जमीन देने की चंडीगढ़ में ये बात की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया है, अतिरिक्त विधानसभा के लिए ये जमीन दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल के आग्रह पर यह घोषणा की गई है। तो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके इसके लिए आभार भी जताया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, लंबे समय से मांग तो हो रही थी और अब कहा जा रहा है कि जल्द ही विधानसभा के लिए ये जो जमीन दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, बड़ी सौगात। बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए हरियाणा विधानसभा को लेकर लगातार लंबे समय से मांग थी, और 2026 के परिसीमन की अगर बात की जाए तो विधायकों की संख्या 115 से 126 होने की उम्मीद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो फिलहाल जो विधानसभा है वो विधानसभा छोटी पड़ रही है, उसके चलते लगातार मांग की जा रही थी कि नई विधानसभा हरियाणा की हो। तो ऐसे में जगह भी चिन्हित की जा रही थी, तीन जगह जो है वो फिलहाल चिन्हित की गई है। तो अब देखने वाली बात होगी, केंद्र की तरफ से बड़ी जो सौगात है वो मिली है। अमित शाह ने हरियाणा को नई विधानसभा के लिए जमीन देने की जो घोषणा है वो आज की है। इसके चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ट्वीट भी जारी किया, हरियाणा विधानसभा के लिए अलग भवन की हमारी मांग को पूरा करते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में विधानसभा के अतिरिक्त जमीन देने की घोषणा की है। मैं समस्त हरियाणा वासियों के लिए और जमीन के लिए कोई लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है क्या, कब तक ये पूरा तैयार हो जाएगा? सृष्टि, अगर लक्ष्य की बात की जाए तो फिलहाल एक अनुमानित समय है वो लग सकता है 3 से 4 साल इस विधानसभा को बनने में लग सकते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए 2026 का परिसीमन होगा, 26 के बाद 2029 में जो चुनाव होंगे वो परिसीमन के ऊपर जो चुनाव होंगे उसमें करीब करीब 125 सीटों के आसपास के अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी सीटें हरियाणा की बढ़ सकती हैं, इतनी विधानसभा मेंबर्स जो है विधानसभा में हो सकते हैं। तो इसके चलते कहीं ना कहीं 3 से 4 साल में ये विधानसभा को बनाने का प्रयास जरूर रहेगा। देखने वाली बात ये होगी कब जगहें अलॉट होती है, कब उस पर काम शुरू होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि कालीरमन खबर पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल समय तो निर्धारित अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ी घोषणा जरूर कर दी गई है।